हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रिल विद गिल्स। आज हम बनाने जाने हैं क्रीमी दही, और वो बनेगा गिल्स के स्टाइल से। और ये बिल्कुल ही डिफरेंट तरीका है, ना आपने देखा होगा ना आपने सुना होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाएंगे कर्ड, जिसे योगर्ट भी कहा जाता है, और इसे हम बनाएंगे बिल्कुल अनोखे ढंग से। इसको बनाएंगे हम ओवन में। जिन कंट्रीज में बहुत ठंड पड़ती है, वहाँ पे दही को जमाना बहुत मुश्किल होता है। तो आज मैं दिखाऊंगी कि दही कैसे बनाएं, और बड़े आसान तरीके से। इसके लिए चाहिए हमें 2.5 किलो के आसपास दूध, और उसको हम बॉईल कर लेंगे। और साथ में चाहिए 1 चम्मच दही। तो पहले हम इसको उबाल लेते हैं, उसके बाद हम अपना दही जो है वो बनाएंगे। तो मैंने अपनी गैस जो है वो हाई पे ऑन कर दी है। तो चलो, इसको 10 मिनट लगेंगे उबलने के लिए, फिर बनाएंगे इसका दही। 5 मिनट हो गए हैं, अभी 5 मिनट और लगेंगे, फिर ये उबल जाएगा। फिर इसको हम ठंडा होने के लिए रखेंगे। जब ये ल्यूक वार्म हो जाएगा, उसके बाद हम इसका दही चलाएंगे। ये देखिए, पूरा 2.5 किलो दूध है, मेजरमेंट भी है इसके ऊपर। हमारा बॉयल जो है वो आने वाला है, हम गैस को कर देंगे बंद। और इसे उठाकर ठंडा होने के लिए हम साइड पे रख देंगे, क्योंकि अगर ये गैस पे पड़ा रहेगा तो फिर गर्म ही रहेगा, ठंडा जल्दी नहीं होगा। तो ये पूरा बॉईल हो गया है, इसको उठा देते हैं और ठंडा होने के लिए साइड पे रखते हैं। 10 से 15 मिनट के बाद ये ठंडा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सर्दी है। जो हमारा दूध है वो अब ल्यूक वार्म हो गया है, तो अब इसको पोर कर लेते हैं इसमें। और मैं इसे छन्नी से छानूंगी, क्योंकि मेरे बच्चे जो है वो मलाई पसंद नहीं करते। तो आप चाहे तो इसे छान लें, ना चाहे तो आपकी मर्जी है। उसके बाद हम इसमें मिक्स करेंगे 1 चम्मच कर्ड। इसको आप ग्लास के बाउल में ही अगर जमाएंगे तो ज्यादा बेटर रिजल्ट आएंगे, रादर देन आप कोई भी और बर्तन यूज कर। अब मैं 60 डिग्री पे अपना जो ओवन है वो गर्म करूंगी, उसके बाद इसको रख दूंगी। आप चाहे तो इसको पहले भी रख सकते हो, और बाद में आप 60 डिग्री पे ओवन को गर्म करें, और उसके बाद जब लाइट ऑफ हो जाए तो उसको बंद कर दें। फिर 3 घंटे के बाद फिर चेक करें। बेसिकली इसका जो रीज़न है इसको उसमें रखने का ओवन में, वो ये है कि हमने इसको गर्मी देनी है। तो जितनी हम इसको गर्मी देंगे, उतनी जल्दी ये हमारा जो दूध से जो दही है वो बन जाएगा। तो चलो पहले ओवन को गर्म करते हैं 60 डिग्री पे। मैं अपने जो ओवन को 60 पे ऑन कर लिया है, और इसको मैं सबसे नीचे वाले हिस्से में रख दूंगी। और जब ये लाइट ऑफ हो जाएगी, मैं इसको बंद कर दूंगी। उसके बाद इसको ऑन करके नहीं रखना है, इसको बस हमने गर्माश देनी है। उसके बाद 2 से 3 घंटे के बाद हम दोबारा से चेक करेंगे, फिर उसको 60 डिग्री पे गर्म करेंगे, फिर बंद कर देंगे, और उसके बाद फिर हमारा जो दही है वो रेडी हो जाएगा। अब देखिए, लाइट बंद हो गई है। अब जो दही है अब इसी हीट में बनेगा, और मैं इसे बंद कर देती हूँ। और फिर हम देखेंगे इसको 4 घंटे के बाद, अगर हीट इसमें कम होगी तो हम इसे दोबारा से ऑन कर देंगे, और फिर थोड़ी सी हीट देंगे, और फिर इसको बंद कर देंगे हम।
तो इस तरह से 2-3 बार करेंगे और उसी हीट में ये दही बन जाएगा। आफ्टर 4 आवर हम दोबारा से 60 पे ऑन करेंगे। और इसको फिर से हीट देंगे थोड़ी सी। जब ये बंद हो जाएगी लाइट तो हम इसको ऑफ कर देंगे। अब ये लाइट है वो बंद हो गई है, इसका मतलब इसको हीट मिल गई है। अब इसको बंद कर देंगे हम और इसको इसी हीट में बनने देंगे और इसके बाद हमें दोबारा से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस हमारा जो दही है वो बन जाएगा, फिर हम इसको फ्रिज में लगा देंगे और फिर चेक करेंगे। चलो अब चेक कर लेते हैं हमारा दही बना है कि नहीं। ये देखिए ये बहुत अच्छा बन गया है, लेकिन अब हमें इसको पहले फ्रिज में लगाना पड़ेगा। देखिए हमारा दही जो है वो बहुत अच्छा बन गया है, सिर्फ 2 बार हमें 60-60 पर लगाना पड़ा और ये कितना अच्छा बन गया। लेकिन अब हम इसको रेफ्रिजरेटर में लगाएंगे 5 घंटे के लिए, एटलीस्ट 5 घंटे के लिए, और फिर देखेंगे इसका रिजल्ट। चलो 5 घंटे के लिए इसे रेफ्रिजरेटर में लगा देते हैं, 5 घंटे के बाद देखेंगे कि ये कैसा बना है। तो चलो 6 घंटे हो गए हैं, हम अपना दही जो है वो चेक कर लेते हैं कैसा बना है। ज़्यादातर क्या होता है कि सर्दियों में हम कैसरोल में दही जमाते हैं और कई बार होता है कि वो जमता नहीं है, क्योंकि हमें इसको हीट देनी होती है तो वो उतनी हीट सर्दियों में मिल नहीं पाती। तो ये वाला जो वे है ओवन में इसको बनाने का वो बहुत बेस्ट वे है और हर बार ही दही जमता है। होता ही नहीं ऐसा कि आप रखो वहाँ पे और ये ना बने। तो देखो कितना अच्छा दही बना है, बिल्कुल मार्केट जैसा। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितना अच्छा दही बना है, बिल्कुल पीसेस में निकल रहा है। घर पे ज़रूर बनाएं इस तरह से। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट में लिख के बताएं, उसका सलूशन भी मैं आपको बता दूंगी। तो आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू। तो फ्रेंड्स देखा आपने कितना क्रीमी बना था हमारा दही और बिल्कुल ही डिफरेंट स्टाइल था। और ये प्रॉब्लम दही जमाने की ज़्यादातर उन कंट्रीज में आती हैं जहाँ ठंड बहुत पड़ती है और गर्मी बिल्कुल नहीं होती। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें या कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और हमारे चैनल ग्रिल विद गिल्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।